तो चलिए दोस्तों, आज 6 जून है और सुबह के 5:40 के करीब हो रहा है। तो आज हम अपने कबूतरों को उड़ाते हैं, क्योंकि मौसम कई दिन ख़राब था तो आज मौसम साफ़ हुआ है। तो चलिए देखिए, कबूतर सारे अंदर हैं। और पहले हम सबसे पहले देखिए, पानी जो है इसको हम फेंक देते हैं, रात का पानी है तो पानी फेंक देंगे, क्योंकि इसमें हम ताज़ा पानी डालेंगे। चलिए फेंकते हैं इसको, उसके बाद जो है हम इसमें पानी भर के आपको दिखाते हैं। तो अब इसमें हम पानी भर देंगे, ताज़ा भरेंगे। ये टूट लगा दें ताकि जो है मतलब गमला डिसबैलेंस ना हो। तो चले पानी लेते हैं नलके से। रात की जो पानी है इसमें वो हम गिरा देते हैं, ताकि मतलब फ्रेश पानी कबूतरों को दिया जाए, जिससे कि कोई उनको नुकसान ना हो। तो पानी इसमें हम भर देते हैं। दोस्तों, आप अपने कबूतर जब भी उड़ाएं तो हमेशा ताज़े पानी दें, कबूतर को पानी पिलाएं। तो चलिए हम जो है पानी को गमले में भर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम अपने कबूतरों को सुबह में उड़ाते हैं। वीडियो में बने रहिए, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप समझ सकते हैं, आपको आइडिया मिल सकता है। जो नए हमारे दोस्त हैं कबूतर रखे हुए हैं, तो उनको आइडिया मिल सकता है। अब चलिए हम कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं, जो उड़ान के हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। और ये देखिए, सारे कबूतर अंदर हैं। तो कबूतरों को हम अब साइड में रखते हैं, और हम कबूतरों को जब बाहर निकालेंगे तो हम आपको दिखाते हैं सभी को निकाल के, क्योंकि पकड़ पकड़ के हम नहीं दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों बाहर चलते हैं। अब कबूतरों को हमने बाहर निकाल दिया है, उड़ाने वाले कबूतरों को। और ये देखिए, सभी कबूतर उड़ाने वाले बाहर आ गए हैं। दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं ताकि अंदर ना जाएं। और देखिए, आराम से बैठे हैं। टोटल हमने 12 कबूतर निकाले हैं। और हमने पहले वीडियो में बनाया था कि कबूतर, कुछ कबूतर के पर भी हमने काट दिए हैं, तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था इसलिए हमने पर काट दिए। और इन कबूतरों को हम छोड़े हैं ताकि मतलब इनकी उड़ान पूरी नहीं हुई है अभी, 4 घंटे 5 घंटे तक ये भी उड़े हैं, लेकिन जब तक कम से कम 10 दिन इनकी उड़ान अच्छे से न हो जाए तब तक हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और बहुत ही आज बेहतरीन मौसम हुआ है, 2-3 दिन से बन रहा है मौसम, तो उड़ाए हैं 2-3 दिन, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब कबूतर 1-2 दिन में तो मतलब उड़ते नहीं हैं 4-5 घंटे, क्योंकि बैठे थे कबूतर, मौसम ख़राब था जैसे आप लोगों को पता ही है। तो पानी उनी रख दिए हैं, अब कबूतर थोड़ा सा 10 मिनट अपना इंतज़ार करेंगे हम, और जो जिनको पानी पीना होगा पियेंगे, जिनको नहीं पीना होगा नहीं पियेंगे। तो कबूतरों को पानी रख देना चाहिए सुबह में, और उनके मन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उनका मन करे तो पियेंगे, नहीं मन करे तो नहीं पियेंगे। तो कम से कम 10 मिनट वेट करते हैं, और 10 मिनट वेट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं अगर पानी पी लेते हैं तो। जब कबूतर हम उड़ाएंगे तो फिर से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब कबूतर को हम छोड़ देते हैं ताकि कबूतर अपना अस्थिर हो जाए। ठीक है दोस्तों।
फ्रेश व्रेश हो ले, पानी उनी पी ले। उसके बाद अभी 5:00 जो है 50 मिनट के करीब हो रहा है, 6:00 करेक्ट जो है हम आपको दिखाते हैं, तब हम वीडियो रोकते हैं यहीं पे। तो दोस्तों 6:00 चुके हैं और चलिए अब हम अपने कबूतरों को उड़ाते हैं। जैसे कि कुछ कबूतर पानी उनी पिए हैं, कुछ नहीं पिए हैं, तो जब हम इनको झंडी मारते हैं तो नीचे बैठे हैं। चलिए तो सभी कबूतर उड़ गए और अब कबूतर जल्दी बैठते नहीं हैं, मतलब अब कबूतर प्रैक्टिस में आ गए हैं तो उड़ जाते हैं आसानी से। तो कुछ देर हम झंडी मारेंगे ताकि कबूतर संभल जाए, उड़ जाए कबूतर। उसके बाद हम झंडी को हटा लेंगे और मौसम साफ़ हुआ है, अच्छा हुआ है मौसम, कहीं कहीं थोड़े क्लाउड है, बादल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कबूतर बहुत साथ में सब उड़ रहे हैं। 2-4 मिनट तक हम झंडी को हिलाएंगे ताकि कबूतर बैठे ना। और दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए कबूतरों को। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी कबूतर अगर बैठता तो हम छोड़ देते बैठने के लिए। चलिए झंडी को हम हटा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा देर झंडी हम मिलाएंगे नहीं, जिनको बैठना होगा बैठ जाएंगे, लेकिन बैठने वाले इतना जल्दी है नहीं कोई कबूतर इसमें अब। तो देख रहे हैं कबूतर ऊपर जाने लगे अब, बहुत ही बेहतरीन उड़ान है हमारे कबूतरों की, आसमान में बंद होकर उड़ते हैं। इसमें हमारे देसी मद्रासी क्रॉस भी हैं, कागजी भी हैं और ललसरे उलसरे भी हैं, तो सभी नस्ल के कबूतर हैं इसमें। इसमें पकड़े भी हुए कबूतर हैं तो जिनके पर हम खोल दिए हैं और अच्छे खासे उड़ान करते हैं, पकड़ते हैं कबूतर तो हम उनके पर भी खोल देते हैं ताकि अगर घर के पक्के हो जाएंगे मान जाते हैं तो बहुत अच्छी उड़ान करते हैं, और जिनको भागना है उनको कौन रोक सकता है। देख रहे हैं आप बहुत ऊपर चले गए हैं कबूतर हमारे, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो मौसम के हिसाब से कबूतर आपके ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं और लग रहा है कि ऊपर थोड़ी हवा चल रही है क्योंकि कबूतर आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। कबूतर जब मतलब आसमान में हवा रहती है तो आपके कबूतर मतलब पता चल जाता है और आसमान में जल्दी बंद नहीं हो पाते हैं क्योंकि हवा जो है कबूतरों को पीछे ढकेलती है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप जो है सभी कबूतर गए हैं ऊपर, सभी के सभी गए हैं और ऐसे ही हमारे सभी कबूतर उड़ते हैं। हर साल हम वीडियो बनाते हैं लेकिन क्या है कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं था, तो ये देखिए जो है इसमें इस साल जो है हमारे पास कैमरा सही है, इसलिए की वजह से हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं तो दूसरे मोबाइल के कैमरे में मतलब उतना जूम नहीं हो पाता था। तो बहुत ऊपर चले गए हैं, जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, और दोस्तों इसमें मतलब कुछ कबूतर अभी देखिए हम 2-3 दिन उड़ाए हैं कबूतरों को, जब से मौसम साफ हुआ है तो उसमें कबूतर अच्छी उड़ान कर चुके हैं इसमें कबूतर। देखिए अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जूम करने के बाद दिखाई दे रहे हैं अपने कबूतर, ये देखिए। और सभी कबूतर जो है बंद होकर उड़ते हैं, मतलब नीचे से नहीं उड़ते हैं। तो जैसा कि हम जूम कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे कबूतर, और कुछ कबूतरों के हमने पर इसलिए काट दिए ताकि मतलब मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था और उनकी उड़ान पूरी हो चुकी थी, अच्छे उड़ान किए थे, 5-6 घंटे कबूतर उड़े थे, इसकी वजह से हमने उनके पर काट दिए थे ताकि जो है मतलब कबूतर नुकसान हो जाते हैं बादल में।
तो कबूतर काफ़ी ऊपर चले गए हैं, जूम करने पे कम दिखाई दे रहे हैं, एक दो को दिखाई दे रहे हैं, तो देख रहे हैं आप जो है। जूम करते हैं तो ज़्यादातर मतलब साफ दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर मतलब उड़ान के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी पूरा महीना हम कबूतर उड़ाएंगे, जून पूरा जून उड़ाएंगे, तो जब तक मौसम ख़राब ना हो तब तक मतलब कबूतर हम उड़ाते रहेंगे। जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो हम कबूतर उड़ाना बंद कर देंगे। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपने कबूतरों को उड़ाएं। और जब आप इतना दाना खिलाएंगे तो भाई उड़ान भी तो चाहिए, इसीलिए हम उड़ाने के शौकीन हैं और हर साल उड़ाते हैं, अच्छी उड़ान करते हैं, जिसमें से कि कबूतर भागते भी हैं। इस साल भी कई कबूतर भागे हैं, तो हम जो है आपको बताएंगे, टोटल उड़ान कंप्लीट हो जाएगा तो हम बताएंगे कि कितने कबूतर इस साल हमारे भागे हैं। और देखिए एक भी कबूतर नीचे नहीं आए हैं, सभी के सभी जाकर जो है मतलब बहुत तेज़ी से गए हैं और जा रहे हैं। कुछ कबूतर बहुत जूम करने पे आपको जो है दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे कि आप समझ सकते हैं देखकर। तो हम अपने कबूतरों को दोस्तों इस महीने पूरे उड़ान करने की उम्मीद है, क्योंकि पूरा मौसम साफ होगा तो उड़ाएंगे। ये देखिए कबूतर दिखाई नहीं दे रहे हैं अब। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किया कीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि कबूतरबाजी का मज़ा ले सकें।